मेरा नाम ईश्वरलाल यादव, निवासी तांबेसरम, आम नागरिक। ये जो भी जनता आपके साथ खड़ी है, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के सरकार से लोग परेशान हो चुके हैं। कई बड़ी बड़ी योजनाएं लागू करनी चाहिए, बस किसी प्रकार कोई योजना भी लागू नहीं हुई है। आम जनता परेशान है, जनता में त्राही त्राही मची हुई है। किसी प्रकार की योजना चल रही है, हाँ, इसके बारे में आपका और जनता का क्या सहयोग है और क्या जनता की एक ही पुकार है, वसुंधरा राजे का रिटर्न, शासन बैठे, क्योंकि उनके गत पांच वर्ष में अच्छा विकास हुआ हमारा और राजस्थान सरकार का, तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए। इसीलिए हमारा एक ही नारा है कि रिटर्न वसुंधरा। पवन पटेल, भारतीय जनता युवा मोर्चा से जिला कार्यकारिणी सदस्य हूँ। यहाँ के स्थानीय मंत्री महेंद्र सिंह बालेवे ने 7 बार यहाँ के एक तालाब, बहुत बड़ा तालाब है, तो यहाँ के किसान दुखी है, उनको किसानों के लिए 7 बार घोषणा की थी, लेकिन आज तक पूर्ण नहीं किया। इसके लिए यहाँ की जनता पूर्ण इतराई है, क्योंकि यहाँ के लोगों की गरीबाई, इसी अगर ये तालाब बनता है तो यहाँ के लोग काफी ऊपर उठ सकते हैं। ये विकट समस्या यहाँ की बनी हुई है। साथ ही यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, उन्होंने सीधा अपने आप में कमीशन खोरी बना रखी है, इसलिए यहाँ की जनता बहुत ज्यादा त्राही त्राही मची हुई है। मैं भंवरलाल लम्हारा, भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ मंडल से। इस क्षेत्र में पानी की भयंकर समस्या है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी के दिनों में पानी की इतनी समस्या है कि मतलब पानी का कोई ऐसा कुछ होना चाहिए, वो सरकारें यहाँ पे नहीं कर पाई। इस क्षेत्र में गर्मी के दिनों में पशुओं के लिए चारा भी नहीं है, पानी भी नहीं है। यहाँ पे लोग जो बारिश गर्मी के दिनों में जो होते हैं, उसमें यहाँ पे भयंकर समस्या है। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, और यहाँ के जो नेता लोग हैं वो बड़े बड़े भाषण करके चले जाते हैं और उस पर भी कोई विशेष प्रकार का ध्यान नहीं देते हैं। बस हमारी सत्ता आएगी, वसुंधरा राजे की सत्ता वापस आ जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर बनेगी और वापस सत्ता में हम आएंगे वापस।